हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर नाइट में, जहां हम लाते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेडिट से एक स्टोरी लेकर आया हूं। रेडिट पर लोग अपना नाम नहीं बताते हैं, पर यह कहानी एक लड़की की है जो मैं आपको उसी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। कुछ महीनों पहले मेरी दोस्त मिशेल और मैं एक फ्रेंड के यहाँ रात को स्टे करने के लिए गए। मैं उस लड़की को अच्छी तरह से नहीं जानती थी। उसका नाम एमी था और वो मिशेल की फ्रेंड थी। वो दोनों एक साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे। एमी कुछ अजीब सी थी, वो थोड़ी चुपचाप रहती थी। उस रात एमी के मम्मी पापा कहीं बाहर गए थे और हम तीनों ही रात भर घर पे अकेले थे। हमने अपने अपने कपड़े बदले और पजामा पहन लिया। थोड़ी देर बाद हम एक दूसरे को कुछ हॉरर कहानियाँ सुनाने लगे, पर हम सबको ज़्यादा हॉरर कहानियाँ आती ही नहीं थी। तभी एमी ने अचानक से कहा, मैं एक अच्छी सी वेबसाइट जानती हूँ। और ये कहकर एमी ने अपना लैपटॉप निकाला और लैपटॉप में एक वेबसाइट ओपन कर दी। हम सब एमी के पास जाकर बैठ गए। उस साइट पर दुनिया भर की डरावनी कहानियाँ थी, जिनमें जापान की भी कुछ कहानियाँ थी। तब एमी उस साइट को और अच्छे से देखने लगी। तभी मिशेल ने एक स्टोरी पर एमी को रुकने के लिए कहा। वो स्टोरी देखते ही एमी कुछ सीरियस ही हो गई। एमी ने कहा, ये स्टोरी हमें नहीं देखनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी मैंने कहा, ये पूरी वेबसाइट ही अजीब है। मैंने कहा, क्या ये स्टोरी बच्चों को सुनाने के लिए है? एमी ने बहुत अजीब से तरीके से मुझे नहीं कहा और बोली, ये स्टोरी अब बच्चों को सुनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एमी ने कहा, इसमें कुछ स्टोरी और गेम तो बहुत ज़्यादा डरावने और ख़तरनाक हैं। और ऐसा कहते हुए एमी ने हमें एक स्टोरी दिखाई। एमी ने उस स्टोरी के लिंक पर क्लिक किया और वो स्टोरी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गई। वो स्टोरी बहुत ही अजीब सी थी। उसमें एक औरत की फ़ोटो थी जिसके लंबे लंबे बाल थे और उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने आधा खाया हुआ हो। मुझे उसकी शक्ल देखकर ही डर लग रहा था। उस फोटो के नीचे लिखा था कि यह स्टोरी किसी इंसान ने नहीं लिखी है। तभी एमी ने कहा, तुम्हें यह स्टोरी नहीं सुननी चाहिए। और मिशेल बोली, हाँ, हमें यह स्टोरी नहीं सुननी चाहिए। तभी मैंने कहा, चलो यार, अब सो जाते हैं। हम सब अपने अपने बेड पर लेट गए, पर मेरे दिमाग में अभी भी उसी साइट का ख्याल आ रहा था। मैं सोच रही थी कि वो साइट किसने बनाई है और कौन इतनी अजीब सी स्टोरियाँ लेकर आता है। मुझे उस साइट में कुछ तो अजीब सा लग रहा था। तभी एमी बेड से उठी और अचानक से उस वीडियो को चला दिया। हम समझ ही नहीं आया कि एमी ने इस वीडियो को क्यों स्टार्ट कर दिया। और अब वो स्टोरी स्टार्ट हो गई। उस स्टोरी को सुनने वाले की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने अपने हाथों से अपने कान पर उंगली रख दी और उस रूम से बाहर चली गई। मिशेल भी मेरे पीछे पीछे डर की वजह से आ गई। हम दोनों बाथरूम में चले गए और उस स्टोरी के ख़त्म होने तक वहीं रुके। वो स्टोरी बहुत छोटी सी थी। वो स्टोरी ना होकर एक पोयम की तरह थी, जिसमें बस कोई राइम ही नहीं थे। जब हम अपने कमरे में वापस आए, तब एमी को हमने अजीब सी निगाहों से घूरा। तब एमी बोली, देखो, उस स्टोरी में कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम फिर से बेड पर वापस लेट गए और अब हम तीनों को नींद आ रही थी। तभी मैं मिशेल के बगल में जाकर लेट गई और हमने लाइट ऑफ कर दी और हम सोने लगे। मुझे शुरू से ही किसी और के घर पर जाकर जल्दी से नींद नहीं आती है। आधी रात को मेरी आँखें एक अजीब सी आवाज़ सुनकर खुली। मुझे लगा ये शायद एमी की आवाज़ है। वो सोते सोते कुछ बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई डरावना सपना देख रही हो। मैंने एकदम से मिशेल को उठाया। मिशेल उठी और बोली, इसने वो जो स्टोरी देखी थी उसी की वजह से अब इसे ये डरावने सपने आ रहे हैं। अब हम दोनों फिर से लेट गए, पर एमी की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपने सपनों में किसी से कुछ बोल रही थी। वो बड़बड़ा रही थी, तुम्हें कैसे पता? मैंने फिर से मिशेल को उठाया और अब हम दोनों से एमी की आवाज़ सुनने लगे। तब मिशेल बोली, अरे तू डर मत यार, ये सपना देख रही है, शायद कोई डरावना सपना है। मिशेल ने अभी ये बोला ही था, तभी एमी अचानक से उठकर खड़ी हो गई। वो किसी गुड़िया की तरह खड़ी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से कुछ बड़बड़ा रही थी। उसे देखकर मैं अंदर तक डर गई। डर के मारे एक ठंड मेरी पूरी बॉडी में घूम गई। एमी का फेस हमारी तरफ नहीं था, उसने अपने फेस जमीन की तरफ किया हुआ था। एमी के बालों ने उसका पूरा चेहरा ढक रखा था। वो कुछ बड़बड़ाते हुए हमारी तरफ मुड़ने लगी।
तभी मिशेल डरते डरते मुझे बोली, यह एमी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। एमी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। मिशेल एमी की आंखों में ही देख रही थी। मैं एमी की तरफ देखना तो नहीं चाहती थी, पर मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी जो मैं अपना ध्यान एमी से हटा लूँ। एमी का चेहरा भी कुछ अलग सा लग रहा था। पलके वो अपनी झुका ही नहीं रही थी और बहुत अजीब से तरीके से अपने मुंह को खोले हुए थी। मुझे तो एमी वो लग ही नहीं रही थी। मुझे एमी के अंदर कोई और नज़र आ रहा था। उसका चेहरा किसी और के चेहरे की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे एमी के अंदर कोई और घुस आया हो। एमी जो आवाज़ निकाल रही थी वो किसी इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो सीन इतना डरावना और खौफनाक था कि मैं और मिशेल वहीं बेहोश हो गए। अगले दिन जब सुबह हम दोनों को होश आया तो एमी वहाँ नहीं थी। हमने पूरे घर में एमी को ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। हम बस एमी को रात को पहने कपड़े ही देख पाए। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। रात की घटना के बाद हम वहाँ एक मिनट भी अब नहीं रुक सकते थे। मैं और मिशेल फटाफट अपना बैग लेकर एमी के घर से भाग गए। घर जाकर मैंने बहुत बार एमी के नंबर पर कॉल किया पर उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। उसके बाद शाम को मैंने एमी की मम्मी को कॉल किया। उन्होंने कहा वो नहीं जानती कि एमी कहाँ है। ये सुनकर मैं और मिशेल बहुत ज़्यादा डर गए और हमने अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल किया और पता करने की कोशिश की क्या किसी ने एमी को देखा है, पर किसी ने भी एमी को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे एमी इस दुनिया से अचानक से गायब हो गई हो। कुछ दिन बाद एमी के पेरेंट्स ने भी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने एमी को ढूंढना स्टार्ट किया। कुछ लोग कहते थे एमी घर छोड़कर भाग गई है। पुलिस को भी एमी का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने हमसे भी सवाल जवाब किए पर हम क्या ही बताते उन्हें। हमें पता था एमी घर से भागी नहीं थी। एक दिन मिशेल मेरे घर आई। हम दोनों ने उस साइट को ओपन किया जो एमी के साथ हमने उस रात ओपन की थी। मिशेल ने उस लिंक पर क्लिक किया। हमें आज बहुत डर लग रहा था। हमने उस साइट को पूरा देखा पर हमें वो स्टोरी कहीं नहीं दिख रही थी। एमी ने जो स्टोरी हमें सुनाई थी हम उसी स्टोरी को ढूंढ रहे थे, पर वहाँ एक नोटिस था कि जो स्टोरी यहाँ पहले दी थी वो अब हट गई है। हमने बहुत कोशिश की पर वो स्टोरी हमें कहीं नहीं मिली। उस रात के बाद से मुझे आज तक बहुत डर लगता है और मैं रात को ढंग से सो भी नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि एक दिन मैं उठूँगी और शायद मैं इस दुनिया में तब हूँ ही ना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।